हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3rd अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा है हमारा, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व कर रहे थे। हमने इसको बीच में ड्रॉप किया था, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या कहता है ट्रांजेक्शन नंबर 4। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, देख लिया था हमारा कि कैश कितना है, कैश 27,600 कैश है, स्टॉक है आपका 20,000 का, 2,000 का आपका फर्नीचर है, और कैपिटल जो है वो है आपका 49,600 रुपीस का कैपिटल है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है परचेज गुड्स फ्रॉम बंटी रुपीस 3,000। परचेस गुड्स फ्रॉम बंटी रुपीज 3,000 का बंटी से सामान परचेस किया गया है। यह है बिजनेस, और बिजनेस ने सामान परचेस किया है, सेल नहीं किया है, परचेस किया है, और यह कौन है, बंटी। बंटी से सामान परचेस किया गया है, 3,000 का सामान यानी गुड्स जो है बिजनेस में आ गया। तीन हजार का गुड्स आ गया बिजनेस में। अच्छा, तो एक काम, एक बात तो तय है कि सामान जब परचेस किया है, चाहे कैश में परचेस किया गया हो, चाहे आपका उधार में परचेस किया गया हो, क्रेडिट में परचेस किया गया हो, आपका स्टॉक तो इंक्रीज करेगा ही। पहले से 20,000 रुपये का सामान है और परचेस किया है बिजनेस ने 3,000 रुपये का, तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, करेगा इंक्रीज, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कहता कि परचेस गुड्स फ्रॉम बंटी फॉर कैश, अगर कैश में परचेस करते हैं तो हम यहाँ पे कैश माइनस करते हैं 3,000 रुपये। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि कैश में परचेस किया गया, सिर्फ बंटी का नाम लिख करके छोड़ दिया गया है कि हमने बंटी से सामान खरीदा। आप बोलोगे सर 3,000 रुपये लिखा हुआ तो है, कैश में ही तो लिखा हुआ है। देखिए बात थोड़ा सा समझिएगा, हमने आपको पढ़ाया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि कोई भी चीज़ मनी में हो, चाहे वो उधार में हो, चाहे आपने कैश परचेस किया हो, मनी तो आपको दिया ही रहेगा, अमाउंट तो आपको दिया ही रहेगा कि कितना में परचेस किया है, कितना में सेल किया है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हर चीज़ का वैल्यू मनी में ही आपका होता है। अगर वो मनी में ना हो, मान लो लिख दिया परचेस गुड्स फ्रॉम बंटी और यहाँ पर आपका 3,000 रुपये नहीं लिखा, तो क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे? अमाउंट ही नहीं दिया है तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है बात। तो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है कि कितने का परचेस किया गया है, 3,000 रुपये का, तो 3,000 से स्टॉक इंक्रीज किया। अच्छा, क्या कैश में परचेस किया गया है? अगर कैश में परचेस किया रहता तो लिखता परचेस गुड्स फॉर कैश, इतना भी लिख के छोड़ सकता था, लिख देता परचेस गुड्स फ्रॉम बंटी फॉर कैश, ये लिख देता, लेकिन सिर्फ बंटी का नाम लेकर के छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है, उधार में है, तभी वो बंटी का नाम लिया। देखो आप जब दुकान में कोई सामान परचेस, प्रैक्टिकली समझो कोई भी सामान आप जब परचेस करने जाते हो, जैसे आपको एक मिनरल वाटर का बॉटल लेना है, आपको पानी प्यास लगा हुआ है, आप दुकानदार से कुछ, वो नीचे काम कर रहा है, आप देखोगे कुछ नीचे कभी कभी वो कुछ करता रहता है अपना, पता नहीं क्या कुछ हिसाब किताब, और आप बोलोगे कि एक बॉटल दीजिएगा भैया, तो आपको एक 20 रुपये का बॉटल आपको दे देगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और आप उसको हाथ में 20 रुपये आपने उसको दे दिया, वो ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे देखा कि 20 रुपये है, वो अपने ड्रॉवर में रख लेता है, तो आपकी तरफ वो देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कैश मिल चुका है, तो आपकी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका नाम बंटी है, आपका नाम संटी है, आपका नाम क्या है, उससे, उस बिज़नेस के जो शॉपकीपर है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको बॉटल देना था 20 रुपये का, 20 रुपये का बॉटल दिया, और उससे आपका कैश जो 20 रुपये चाहिए था वो ले लिया, काम ख़त्म। आप कौन हैं, क्या हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जब दुकान जाओगे और बोलना कि भैया 20 रुपये का बॉटल, एक मिनरल वाटर दीजिएगा 20 वाला, तो वो नीचे कुछ काम कर रहा था, आप उससे पानी मांगे कि बॉटल दीजिएगा, वो आपको
पोर्टल दे दिया और नीचे काम कर रहा था, वो वेट कर रहा था कि आप पैसा दोगे और आप बोलो कि ठीक है बाद में दे देंगे। जैसे ही आप बोलोगे बाद में दे देंगे, वो अपनी नज़रें उठा के आपकी तरफ देखेगा कि आप हो कौन। ठीक है, वो अपनी नज़रें उठा के देखेगा कि ऐसा कैसे हो गया भाई कि बाद में दे देंगे, बाद में नहीं दिया तो वो नज़रें उठा के देखेगा, पूछेगा आप कौन। तो बोलेगा, ये बोलेगा, मान लीजिए कि सामने वाला बंदा जो खड़ा है वो बोलेगा कि अपना नाम बताएगा कि हम जो है बंटी हैं, या मेरा नाम कोई भी नाम हो सकता है, ABCD कुछ भी नाम, वो नाम बताएगा आपका। तो नाम पूछने का ज़रूरत कब पड़ा? जब सामान उधार में परचेस किया गया तो नाम पूछने का ज़रूरत पड़ा। यहाँ पर बिजनेस ने भी अगर कैश में परचेस कर देता तो बंटी का यहाँ पर नाम का कोई ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम लिख के छोड़ा गया है, इसका मतलब है कि सामने वाले, हम बिजनेस किसको पैसा देगा? तो बंटी को देगा। इसलिए बंटी का बात सामने से बंटी का नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी था। इसीलिए यहाँ पर जो बंटी है सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया है, इसका मतलब बिजनेस ने उधार में बंटी से सामान खरीदा। तो सामान खरीदा तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही, लेकिन नियर फ्यूचर में कितना रुपया बंटी को चुकाना पड़ेगा? बंटी को जो है चुकाना पड़ेगा 3,000 रुपये नियर फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं ना देना पड़ रहा है, अभी तो सिर्फ परचेस किए हैं, परचेस किए तो 3,000 रुपये से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और 3,000 रुपये से बढ़ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। एक मिनट, ये बंटी कौन है? ये बंटी पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, लेनदार है। लेनदार है मतलब क्रेडिटर है ये बिजनेस का। बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंटी कौन है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बंटी है वो क्रेडिटर है। तो हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं कि भाई कौन बंटी है, कौन आपका कोई भी नाम हो सकता है, कौन आपका रोहित है, श्याम है, राम है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको पैसा किसको देना है? तो लेनदार को देना है। अब लेनदार इसमें कौन है? बंटी है। तो हम बंटी का नाम नहीं लिखेंगे, ये मेरा है कौन, ये बंदा मेरा है कौन, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा कौन है? तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर प्लस करेंगे 3,000 रुपये से, बंटी का नाम नहीं लिखेंगे। अब देखिए बिजनेस जो है ना सामान परचेस करता है, तो सिर्फ जरूरी नहीं कि हर बार बंटी से ही सामान खरीदे, बंटी भी हो सकता है, संटी भी हो सकता है, और कोई भी नाम हो सकता है, एक बंदा नहीं हो सकता है, बहुत सारे बंदे हो सकते हैं। बिजनेस अगर आप करोगे तो सिर्फ एक से ही उधार खरीदोगे, एक से ही डील करोगे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपका यहाँ पर उधार में खरीद सकते हो। आप इससे भी उधार में खरीदे, 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 ये बंदे से भी उधार खरीदे, तो इसका नाम बंटी है, इसका नाम मान लो कि बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो क्रेडिटर में आप ABCDEFGHI जितना भी हो सकता है क्रेडिटर, सबका नाम लिखोगे? नहीं। ये सब कलेक्टिवली कौन है? ये सब कलेक्टिवली कौन है? ये सब कलेक्टिवली बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स, एक से ज़्यादा है ना, तो क्रेडिटर्स। तो हो सकता है कि बिजनेस ने यहाँ जो सामान अभी तो खरीदा बंटी से, तो ये क्रेडिटर है, यहाँ पर लिखोगे क्रेडिटर। लेकिन हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों से उधार में बिजनेस ने परचेस किया हो, तो ये सारे बिजनेस के क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो अब हम सबका नाम यहाँ पर लायबिलिटी में लिखते चले गया। नाम से हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है, हमें मतलब यहाँ पर बिजनेस को मतलब है कि पैसा जो है हमको चुकाना है, किसी को देना है। अब सामने वाला बंदा का नाम ठीक है, आपका नाम ज़रूरी है यहाँ पर कि किसे पेमेंट करना है, लेकिन ये सब कोई कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? ये सब लोग कहलाएंगे क्रेडिटर्स। इसीलिए हम यहाँ पर बंटी का नाम नहीं लिख करके, बंटी मेरा है कौन, क्रेडिटर, और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसीलिए हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 3,000 से प्लस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका स्टॉक प्लस हुआ 3,000 रुपये से और क्रेडिटर प्लस हुआ 3,000 रुपये से। क्लियर हुआ बात? इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। उधार में सामान परचेस किया गया, कैश तो घटा नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन का। फर्नीचर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, क्रेडिटर जो है आपका 3,000 रुपया जो है बढ़ गया, और इससे कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए 3,000 रुपये इधर भी प्लस है और इज इक्वल टू के 3,000 उधर भी प्लस है, इक्वेशन तो बैलेंस करना ही भरना है। ठीक, यहाँ पे लिखो आप न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन बताइए। अब
कहीं ना कहीं आपको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो हम आपको बैलेंस शीट बना करके जब दिखाएंगे तो आपको आ जाएगा नज़र। देखो यहाँ पर बिजनेस में के मौजूदा हालात अभी की अगर बात करें तो बिजनेस में 27,600 रुपया कैश है। स्टॉक जो है, अब सामान कितने का सामान बेच सकता है बिजनेस, तो 20,000 का तो पहले से था, अब 23,000 रुपये 3,000 रुपये से बढ़ गया। बिजनेस में अभी जो स्टॉक है, मतलब जो अनसोल्ड गुड्स है, वो कितना लगा हुआ है, 23,000 रुपये का लगा हुआ है। अब इसी में से सामान निकाल निकाल करके धीरे 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 क्या करेगा, जो बिजनेस है वो सामान को बेचेगा। ठीक है, तो 23,000 रुपये का सामान बेचने के लिए है 2,000 रुपये का अभी बिजनेस के पास फर्नीचर है। इसके बाद अब बाहर वाले को पैसा चुकाना है, क्रेडिटर को 3,000 रुपये, और ऑनर का जो पैसा है प्लस 49,600 रुपीज़ यहाँ पर ऑनर का पैसा है बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये बात हुआ इसका। चलो 27,600 रुपये ये हो गया, 23,000 रुपये आपका ये स्टॉक हो गया, 2,000 रुपये का आपका फर्नीचर है, 3,000 रुपये का क्रेडिटर है, और 49,600 रुपये का आपका यहाँ पर कैपिटल है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 सोल्ड फॉर ₹3,000 फॉर कैश। ठीक है, सबसे पहले थे गुड्स कॉस्टिंग 2,000 लिखते हैं ट्रांजेक्शन में, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 है ना, सामान का जो दाम है वो 2,000 के कॉस्ट का सामान बेचा गया है सोल्ड फॉर ₹3,000, 2,000 के सामान को 3,000 रुपये में बेच दिया गया है। और कैसे बेचा गया है, सोल्ड रुपीज़ क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर सोल्ड फॉर ₹3,000, और आगे लिख दिया है फॉर कैश, यानी जो भी आपने सामान को बेचा है वो कैश में बेचा है। चलो इसको अब हम समझते हैं, ये है बिजनेस है ये, और बिजनेस जो है सामान बेचेगा, जो भी हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा ट्रांजेक्शन को करते हैं। सामान जो है यानी गुड्स, यानी आप बोलिए गुड्स की जगह पर क्या बोलिए, स्टॉक। अभी दुकान में स्टॉक जो है वो कितने का है, 23,000 रुपये का है, नहीं है 23,000 रुपये का, देखिए यहाँ पर 23,000 रुपये का सामान है, और बिजनेस अब इसमें से धीरे धीरे सामान को बेचेगा। ये 23,000 रुपये जो है ना वो कॉस्ट पर है, मतलब अगर हम इसको बिजनेस को बेचेगा मार्केट में तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट में बेचेगा, लेकिन अभी कितने का सामान इसमें से बेचा जा रहा है, 2,000 रुपये का सामान बेचा जा रहा है, 2,000 रुपये कॉस्ट का सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 2,000 रुपये का सामान बिजनेस से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर 23,000 रुपये है स्टॉक, 2,000 का सामान बेचा जा रहा है, माइनस 2,000 रुपये स्टॉक कर देंगे क्योंकि स्टॉक 2,000 से कम हो जाएगा। और बोला क्या है कि सोल्ड फॉर ₹3,000, और इस 2,000 के सामान को मार्केट में बेचा गया, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 3,000 रुपये में बेच दिया गया सामान को, 3,000 रुपये को बेच दिया गया सामान को, तो बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए 2,000 रुपये कॉस्ट, और प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर 1,000 रुपये प्रॉफिट में बेचा गया, 1,000 रुपये प्रॉफिट ऐड किया गया इसमें, तब जाकर के मार्केट में 3,000 में बेचा गया। तो स्टॉक कितने से कम हो गया, 2,000 रुपये से, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। बोले थे आपको प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 1,000 रुपीज़, यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऐड हो गया। और बिजनेस ने सामान को बेचा, जब बेचा तो बताइए कि बिजनेस के अंदर कितना रुपया आ गया, कैश जो है बिजनेस में आ गया, प्लस हो गया 3,000 रुपया कैश आ गया बिजनेस में, मिल गया, बोले थे ना कैश में जो है सामान बेचा है, तो कैश आ गया बिजनेस में 3,000 रुपया, तो कैश में देखिए आपका प्लस कर देंगे 3,000 रुपीस। ठीक है बात, तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, कैश प्लस हो गया 3,000 रुपये, स्टॉक माइनस हो गया 2,000 रुपये, और
प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, यहां पर 1000 रुपए ऐड कर दिए हम कैपिटल में। तो देखिए प्लस 3000 और माइनस 2000, तो प्लस 1000 एसेट साइड में रहेगा और प्लस 1000 आपका इज इक्वल टू के उस साइड कैपिटल में प्लस किए, तो इक्वेशन एकदम मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि एसेट साइड में आपका 1000 रुपये प्लस हुआ और उधर भी इज इक्वल टू के उस साइड भी 1000 रुपये प्लस हुआ, तो इक्वेशन बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन। मैंने बनाया इस ट्रांजेक्शन का, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा और आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चूंकि ये लास्ट आपका ट्रांजेक्शन था, तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो फाइनल इक्वेशन होगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी आपका ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो इसको लिख दो फाइनल इक्वेशन। बताओ बिजनेस में कैश कितना है, 30,600 रुपये का कैश है प्लस 21,000 रुपये का स्टॉक हो गया, 2000 का तो मैंने बेच दिया तो अब 21,000 का स्टॉक बचा। फर्नीचर जो है वो कितने का है, 2000 रुपये का फर्नीचर है। अब बताइए क्रेडिटर्स कितना है, यानी पैसा कितना चुकाना है, 3000 रुपये, और कैपिटल जो है 1000 से बढ़ गया तो हो गया 50,600 रुपीज़ जो है वो बिजनेस का कैपिटल है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। 30,600, 21,000 रुपया यहाँ पर हो गया, 2,000 रुपये का ये हो गया, क्रेडिटर हो गया 3,000 का। चलो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आप यहाँ पर देखो कि हमें इतना सारा ट्रांजेक्शन प्लस माइनस होता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि बिजनेस में अभी कैश कितना है, 30,600। मौजूदा हालात में बिजनेस के पास स्टॉक कितना है, 21,000 का, और मौजूदा हालात में बिजनेस के पास फर्नीचर है 2,000 रुपये का। मौजूदा हालात में बिजनेस को बाहर वाले को पैसा चुकाना है, यानी क्रेडिटर जो है वो 3,000 रुपये का है, और कैपिटल जो है अभी ऑनर का पैसा बिजनेस में 50,600 रुपया है। ये सारा प्लस माइनस होते हुए ऊपर से नीचे आया और फाइनली हमको इस अमाउंट का ज़रूरत है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, हमको ये सारा अमाउंट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली अभी जो पोजीशन है बिजनेस का, अभी पोजीशन बिजनेस का क्या है कि कैश 30,600 है, 10 ज़्यादा हो गया है, तो कैश 30,600 रुपया है, 21,000 रुपये का आपका स्टॉक है, फर्नीचर 2,000 का है, क्रेडिटर 3,000 रुपये का है, और 50,600 का आपका कैपिटल है। ये है अभी करेंटली बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। अब पोजीशन पता करने के लिए तो पता चल ही रहा है, लेकिन इसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो यहाँ पर हम हटा दें क्योंकि हमको इस अमाउंट का ज़रूरत है, बाकी हम यहाँ पर बैलेंस शीट आपको बना करके दिखाते हैं। अब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है तो बैलेंस शीट बनाना होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पर जो डेट होगा वो लिखेंगे, फिलहाल कोई डेट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कॉलम खाली छोड़ देंगे। कुछ इस टाइप आपका फॉर्मेट बनेगा बैलेंस शीट का। ये साइट आपका रहेगा एसेट साइट अमाउंट और इधर लायबिलिटी साइड। ये बात हम समझा दिए आपको कि लायबिलिटीज़ क्यों लिखते हैं, लायबिलिटीज़ का मतलब इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ भी हम लिख सकते थे, लेकिन लायबिलिटीज़ का मतलब आपका लायबिलिटीज़ में आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी आ गया और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज़ भी आ गया, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर लायबिलिटीज़ लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट। अब हम चलो यहाँ पर हम एसेट लिखते हैं कि एसेट साइड में सारा एसेट का नाम लिखेंगे, कौन कौन सा एसेट है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, यही तीन मेरे पास एसेट है। लिखिए यहाँ पर कैश है एसेट साइड में, स्टॉक है, और क्या है, फर्नीचर है। ये तीन एसेट है मेरे पास। अभी बताइए फाइनली कैश बिजनेस के अंदर मौजूदा हालात में कितना है, 30,600 रुपये। स्टॉक मौजूदा हालात में कितना है, 21,000 रुपये। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते जाइए, बहुत सिंपल है। और फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर के सामने में 2,000 रुपये आप यहाँ पे फर्नीचर लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए लाइब्रेरी साइड में, लाइब्रेरी साइड में क्या है आपका, तो लाइब्रेरी साइड में आपका क्रेडिटर्स है, यहाँ पे आप लिख दो लाइब्रेरी साइड में क्रेडिटर्स कितने का है, क्रेडिटर 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये यहाँ पर लिख दो। और बताइए लाइब्रेरी साइड में और क्या है आपका,
कैपिटल है, तो यहाँ लिख दो आप कैपिटल कितने का है, 50,600 रुपीज़, ये हो गया। अब दोनों साइड को मैच करवाना है, यहाँ डबल कॉलम से आप बंद करोगे, इसका मतलब है कि इसके आगे आप कुछ भी लिखना नहीं है। देखिए 53,600 रुपीज़ इधर आ गया, और इधर 30,000 और 20,000, 50,000 और 3,000, ठीक है, यहाँ भी आ गया 53,600 रुपीज़। तो आपका जो है बैलेंस शीट बिल्कुल टैली कर गया, टैली करना ही था, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम आपका बैलेंस शीट इक्वेशन है। और देखिए ना, एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर ही होगा। अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइबिलिटीज़ की जगह पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, इसको आप बाद में लाइबिलिटीज़ ही लिखना, अभी लिख दो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट जो है कितने का एसेट टोटल है, इतना टोटल एसेट है जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया जो बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। क्या है बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन, जरा सा अभी हम पता करते हैं कि क्या पोजीशन है फाइनेंशियल, यानी पैसे के तौर पर क्या बिज़नेस स्ट्रांग है या बिज़नेस वीक है, अभी कमज़ोर है। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस का, तो देखिए कैश जो है आपका बिज़नेस में 30,600 रुपये कैश है, स्टॉक 21,000 का है, फर्नीचर 2,000 रुपये का है, बहुत अच्छा बात है। एसेट है, ऑनर का पैसा कितना है, ऑनर का पैसा यहाँ पे 50,600 रुपये है, यानी ऑनर का पैसा है। और बाहर वाले को कितना पैसा मात्र चुकाना है, मात्र आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो 3,000 रुपये का आउटसाइड लाइबिलिटी है। मेरे पास कैश भी है 30,600 रुपये, जिसमें से हम ये लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं, फिलहाल अभी पे करने के लिए कहा नहीं है। तो मात्र आउटसाइड लाइबिलिटीज 3,000 रुपये का है, बिज़नेस का बहुत साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है। बिज़नेस जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करना है, जो होना चाहिए वही है, आउटसाइड लाइबिलिटीज बहुत कम है, और एसेट और कैपिटल बहुत सही पोजीशन पर बिज़नेस का है। तो आप कह सकते हो कि जो भी ये बिज़नेस है, जो जिसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए हैं, वो बहुत साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में बिज़नेस है, ठीक है। तो ये हमको किससे पता चला, बैलेंस शीट बना करके पता चला। बैलेंस शीट क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, और ये स्टेटमेंट बना करके हमको इस स्टेटमेंट से, इस डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना सकते हो। थैंक यू।